respected sisters and Father Xavier and all my dear friends. Hearty welcome and good morning to all of you. जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज हम इस पावन बेला में यहाँ उपस्थित हैं. 15 अगस्त की यह पावन बेला हम सबके लिए गौरव का विषय है. भारत जमीन का टुकड़ा नहीं, जीता जागता राष्ट्र पुरुष है. हिमालय इसका मस्तक और कश्मीर मुकुट है. पंजाब और बंगाल इसके दो विशाल कंधे हैं. कन्याकुमारी इसके चरण हैं जिन्हें सागर सदैव पखारता रहता है. चंदन है इस देश की माटी, तपो भूमि हर ग्राम है. हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है. जी हाँ, यह चंदन की भूमि है, अभिनंदन की भूमि है, यह तर्पण की भूमि है, यह अर्पण की भूमि है. इसका कंकर कंकर शंकर है, इसका बिंदु बिंदु गंगाजल है. हम जिएंगे तो इसके लिए और मरेंगे तो इसके लिए. भारत के सभी गणमान्य नागरिकों को 75वें गणतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई, स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं. आज से 74 वर्ष पूर्व हमारे देश को कई वर्षों के अथक परिश्रम और प्रयासों के बाद, अनगिनत बलिदानों के बाद 15 अगस्त 1947 में आज़ादी मिली थी. लंबे समय तक ब्रिटेन के उपनिवेश रहे भारत और भारतवासियों ने असहनीय पीड़ा और कष्ट सहे. हमारे देश के स्वाधीनता सेनानियों ने स्वतंत्रता के यज्ञ में बार बार लगातार अपने प्राणों की आहुति दी. तब जाकर हमने आज़ादी की सुबह देखी थी. आज के दिन हम उन सभी वीर बलिदानियों का स्मरण करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, जिनके बलिदानों के फलस्वरूप आज हम स्वतंत्र देश में जीवन जी रहे हैं. आज की इस पवित्र बेला में हमारा संपूर्ण SJC परिवार उन अमर शहीदों को नतमस्तक होकर श्रद्धा सुमन अर्पित करता है, जिन्होंने देश के लिए स्वयं को समर्पित कर दिया. जैसे कि हमारी प्रथा है कि हम सर्वप्रथम झंडा वंदन करेंगे, तो मैं झंडा वंदन के लिए हमारे विद्यालय की प्रिंसिपल सिस्टर लिली को आमंत्रित करती हूँ कि वे आएं और भारतीय ध्वज को लहराएं. प्रार्थना करें कि वे हमारे देश पर, हमारे समस्त देशवासियों पर, संपूर्ण राष्ट्र पर अपनी कृपा बनाए रखें. तो आइए हम हाथ जोड़कर, शीश झुकाकर प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि जब तक आकाश में सूर्य और चंद्रमा चमकते रहें, तब तक विश्व में भारत की गौरव गाथा गाई जाती रहे. आज़ादी की इस पावन वर्षगांठ पर हम उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों को स्मरण करते हैं, जिनके बलिदानों के कारण
आज हम गौरवपूर्ण जीवन जी रहे हैं। हे दयानिधान, हमारा देश विश्व में सदैव अग्रगण्य हो और हमारे देशवासी नित नवीन गौरव गाथाएं गढ़ने में सक्षम हो, इस हेतु हे प्रभु हमें आशीर्वाद दीजिए। हे कृपा निधान, धरती अंतरिक्ष जल एवं आकाश में हमारे देश की विजय पताका सदा सर्वदा लहराती रहे और स्वर्णाक्षरों में भारत का नाम सदैव गौरव के साथ लिया जाता रहे, इस हेतु हे प्रभु हमें आशीर्वाद दीजिए। हे दयालु प्रभु, हमारे देश के जनमानस एवं सभी विशिष्ट जनों पर अपना आशीर्वाद बनाए रखिए। देश के सर्वोच्च पदों पर आसीन और देश का नेतृत्व करने वाले सभी जनों को सद्बुद्धि प्रदान कीजिए, ताकि वे राष्ट्रहित में सही फैसले ले सकें और देश की एकता एवं अखंडता को अक्षुण्य बनाए रखें। इस हेतु हे प्रभु सभी नागरिकों और सभी विशिष्ट जनों को शक्ति और शुद्ध बुद्धि प्रदान कीजिए। हे परमपिता परमेश्वर, हम सभी भारतीय अपने वीर सैनिकों द्वारा प्रदत्त इस स्वतंत्रता को सुरक्षित एवं अक्षुण्य रख सकें एवं देश की यश और कीर्ति में वृद्धि कर सकें, इस हेतु हे प्रभु हमें आशीष दीजिए। हे दयालु प्रभु, हमारे देश शांति और प्रेम से संपूर्ण विश्व का सिरमौर बनकर उभरे। हमारी युवा पीढ़ी अपनी बुद्धि एवं विवेक से नई सफलताओं के द्वार खोलने में सक्षम हो सके, इस हेतु हे प्रभु हमें आशीष प्रदान कीजिए। हे कृपा निधान, हमारे देश का किसान खुशियों की फसलें उगाए और देश को धन धान्य से समृद्ध बनाए, इस हेतु हे प्रभु हमें आशीष प्रदान कीजिए। हे दयालु प्रभु, हमारे देश के वीर सैनिक अपनी शक्ति एवं साहस से सीमाओं को सदैव सुरक्षित रख सकें और उनकी शक्ति से शत्रु भयभीत रहें, इस हेतु हे प्रभु हमें आशीष दीजिए। हे कृपा निधान, हमारी नई पीढ़ी एवं भविष्य के कर्णधार हमारे विद्यार्थियों को सही दिशा प्रदान कीजिए, ताकि वे अपने बुद्धि बल से असंभव को भी संभव कर सकें, इस हेतु हे प्रभु हमें आशीष दीजिए। हे परमपिता परमेश्वर, हम आपके समक्ष हाथ जोड़कर शीश झुकाकर आपसे अनुग्रह की कामना करते हैं। हे दयानिधान, हमारे देशवासियों की हर आपदा विपदा से रक्षा कीजिए और हम सब भारतीयों को शक्ति सामर्थ्य सद्बुद्धि एवं अपना विशेष आशीर्वाद प्रदान कीजिए, ताकि हम राष्ट्र की एकता एवं अखंडता की लौ जलाए रखें। इसी से प्रार्थना के उपरांत आइए अब हम सुनते हैं देश वंदना। मेरी आराधना मेरी पूजा भारत भूमि है, मेरा खुदा मेरा ईश्वर भारत भूमि है। खुदा मेरा ईश्वर, मेरा
विशेष वंदना के उपरांत हम कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर पहुंच गए हैं। कार्यक्रम के अंत में एक बार पुनः आप सभी को 75वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। मैं संपूर्ण सेंट जोसेफ मैनेजमेंट स्टाफ एवं FJC परिवार की ओर से आप सभी को इस स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं और बधाई प्रस्तुत करती हूं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। सभी स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, अपना ध्यान रखें और अपने आसपास वालों का भी ध्यान रखें। धन्यवाद। आज हम 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहे हैं। यह दिन भारत के गौरवशाली इतिहास का सबसे बड़ा दिन है। लंबे समय तक ब्रिटेन के उपनिवेश रहे भारत को 15 अगस्त 1947 में आजादी मिली थी। महात्मा गांधी समेत अनेकों स्वाधीनता सेनानियों के अथक प्रयासों के बाद देश ने आजादी की सुबह देखी थी। यूं तो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट को 18 जुलाई 1947 को ही स्वीकृति मिल गई थी, मगर लॉर्ड माउंटबेटन ने देश को आजाद करने के लिए 15 अगस्त का ही दिन चुना था। इस दिन देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने लाल किले पर तिरंगा फहराया, लेकिन आजादी के समय विडंबना यह थी कि हमारा कोई राष्ट्रगीत नहीं था। इसलिए 1911 में रविंद्रनाथ ठाकुर द्वारा रचित भारत भाग्य विधाता को जन गण मन नाम के साथ 24 जनवरी 1950 को भारत के राष्ट्रगान का दर्जा दिया गया, जिसे प्रत्येक राष्ट्रीय पर्व पर हम गौरव के साथ राष्ट्रगीत के रूप में गाते हैं। राष्ट्रगीत के साथ साथ सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी इन राष्ट्रीय त्योहारों पर विशेष महत्व है। ये सांस्कृतिक कार्यक्रम इस त्योहार में नई जान डाल देते हैं। तो आइए सांस्कृतिक कार्यक्रमों की ओर चलते हैं, जहां KG की नन्ही छात्राएं अपने हाथों में तिरंगा लहराते हुए यह संदेश दे रही हैं कि मेरा तिरंगा मेरी शान, माय ट्राइकलर माय प्राइड। My tricolor, my pride, I am proud of my tricolor flag. It holds great significance. Jai Hind, Jai Bharat. Green, the symbol of prosperity and progress. Green, symbol of power and patience. Green, symbol of new beginning of life. White symbol of brilliance, white symbol of truth and oneness. White symbol of inclusion, of 7 colors of spectrum. Blue wheel, symbol of vastness and continuity. Wheel, symbol of ethics and wisdom. Wheel reflects balance of light. Saffron, symbol of energy. Saffron, symbol of sacrifice and sanity. Saffron, symbol of sincerity and enlightenment. Thank you.
केजी की नन्ही छात्राओं की इस सुंदर प्रस्तुति के बाद हमें स्पेस में लेकर उड़ जाने को तैयार हैं हमारी प्राइमरी की छात्राएं, जो प्रस्तुत करने जा रही हैं चंद्रयान मिशन पर मनमोहक स्पेस डांस। स्काई इज नॉट द लिमिट फॉर इंडिया। ऑन 27th March 2019, द नेशन जॉइन स्पेस सुपर पावर व्हेन इट शॉट डाउन अ लाइफ सैटेलाइट इन लो अर्थ ऑर्बिट। It was a moment of triumph. India's giant leap towards outer space with Chandrayaan 2, India's second moon mission. Now, India is set to become the fourth country to land on moon with its indigenous technology. Today, India has joined the rank of US, China and Russia. Let us look forward to Mission Shakti hosting our future astronauts. भारतीय नारी सदैव से ही सशक्त रही है, इसका परिचय हमें आजादी के इतिहास के पन्नों को पलटते ही मिल जाता है, जब केवल पुरुष ही नहीं उन वीरांगनाओं ने भी आजादी के आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था और अपनी बौद्धिक एवं वैचारिक सुदृढ़ता का परिचय दिया था। रानी लक्ष्मीबाई
अरुणा आसिफ अली, एनी बेसेंट, कमला नेहरू, सरोजनी नायडू और विजय लक्ष्मी पंडित जैसी ओजस्वी नारियों ने महिला सशक्तिकरण को परिभाषित किया था। हमारी अगली प्रस्तुति नारी सशक्तिकरण पर ही आधारित है, जिसे लेकर आ रही हैं मिडिल स्कूल की हमारी नन्ही छात्राएं। Be brave, take risk. Nothing can substitute experience. This is the life of brave soldiers. Good morning. I'm going to speak about Lieutenant Colonel Mithali Madhu Mehta. She was the first woman officer in the Indian Army to receive the Gallantry Award. She also received the Sena Medal in 2011 for exemplary courage shown during the attack on the Indian Embassy by terrorists in Kabul, and rescued several civilians and army personnel from the debris. I am really inspired by her so much that I want to be like her. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat. I am TV Anupama, an IAS officer. In 2010, I secured the 4th rank in the civil service examination. I served as the district collector of Alappuzha district in 2017, also the district collector of Thrissur in 2018. I am known for my bold steps against politically powerful people. I am also the director of the Women and Child Development Department, Government of Kerala, on 13 September 2019. Freedom in mind, faith in birth, pride in our souls. Let's salute the nation on this Independence Day. Good morning. I am Preeti Chaudhary. I am the only woman congruent commander from Army in this year's Republic Day Parade. A former NCC Air Squadron cadet from Chandigarh, Captain Chaudhary was awarded of Convoy Squad of Honor in 2018 from the Officers Training Academy in Chennai. I am so inspired by Captain Preeti Chaudhary that I want to become like her one day. Namaste, I'm Smita Sambrival. I'm an IAS officer of 2001, belonging to the Telangana card. I'm popularly known as the People's Officer. I was the first lady IAS officer to get appointed to the Chief Minister's office. I also got many awards, such as the Chief Minister's Award for the Best District in 2011 and 12 and 12 and 13. I got this award twice. I also got the Indian Express Devi Award of 2015 for the Best District. Thank you. Namaste. I am Sudha Murthy. I am an author, entrepreneur and a social worker. I am the chairperson of Infosys Foundation. I was awarded the Padma Shri in 2006 by the Government of India. I always inspire people to lead a simple life and believe to their conscience. At last, as a student, I am very inspired by Sudha Murthy. Words may inspire, but action creates a change. Good morning. Today I am going to speak on DGP Archana Ramasundaram. She was the first woman officer of India to lead the paramilitary force and was awarded with the President's Medal in 2014. Archana Ramasundaram joined the CBI as an additional director and became the first woman additional director in the Central Bureau of Investigation. She is the best version of my inspiration. She has taught to be an empowered and self-dependent woman. Jai Hind. Jai Hind. I am Agni Chaturvedi. I am an Indian pilot from River District, Madhya Pradesh. I was declared the first woman combat pilot in June 2016. My achievements has put India in the list of countries such as Britain, the United States, Israel and Pakistan, where women are allowed to fly fighter jets. Mohan Chitarwal, Bhavna Kant and me were awarded Nari Shakti Puraskar by the President of New Delhi, Ramnath Kovind. Now I am inspired from Agni Chaturvedi and now I would work hard to become like her. Thank you. Good morning. I am Hima Das. I am the first Indian woman to win
gold medals at the IAAF World Under 20 Championship. I won 2 gold medals and 1 silver medal at the Asian Games 2018 held at Jakarta. I hold a record of completing 400 meter race in 50.79 seconds. I was appointed as the Youth Ambassador of the UNICEF India on 14th November 2018. I was conferred the Arjuna Award on 25th December 2018. I was appointed the DSP in Assam Police under State Integrated Sports Policy. If my mind can conceive it and my heart can believe it, I can achieve it. Jai Hind. देशभक्ति ऐसा अनमोल जज्बा है जिसकी तुलना किसी दूसरे भाव से की ही नहीं जा सकती। देश सर्वोच्च है, सर्वप्रथम है। देशभक्ति की यही भावना सीनियर सेकेंडरी की छात्राओं द्वारा प्रस्तुत इस देशभक्ति नृत्य में दिखाई देती है। तो प्रस्तुत है देशभक्ति से ओतप्रोत यह नृत्य। एक बार पुनः आप सभी को 75वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, अपना ध्यान रखिए और अपने आसपास के लोगों का ध्यान रखिए।